Hey, hello my dear students, how are you all? I hope from you are very very well, happy and safe at your home. So don't worry about your study because I am here to complete you. This is your question answer video. So first you have to write it carefully. You have take one pencil. 1 minute. Yes, you have to take one pencil and your fair copy and write it. Okay, question number 2. Refer to the extract given below and answer the question that follows. तो बच्चों ये जो question है इसको आपको ऐसे ही लिखना है, इस तरीके से heading put करके ए नंबर लिख कर के वेलकम टू माई हाउस, हु आर दीज स्ट्रेंजर्स दैट यू हैव ब्रॉट विथ यू, ये लाइन यहाँ पर. और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यहाँ से, बट आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, रिफो से लेकर विद यू तक लिखना पड़ेगा अपनी नोटबुक में. आप इस लाइन को रिफर करते हुए क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे जो कि नीचे दिए हुए हैं. हु स्पोक दीज वर्ड्स, जो लाइन मैंने बोली है वेलकम टू माई हाउस, हु आर दीज स्ट्रेंजर्स दैट यू हैव ब्रॉट विद यू, तो ये बोल रहा है कि ये वर्ड्स किसने कहे, हुम वर दे स्पोकन टू. ठीक है, तो इसका आंसर आपको लिखना होगा. लिखिएगा इसका आंसर. जाधव राणा स्पोक दीज वर्ड्स, दे वर स्पोकन टू आंचल राणा. जाधव राणा ने किससे कहा, आंचल राणा से. ठीक है, जाधव राणा ने आंचल राणा से कहा. तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट आंसर है वो है ये, जाधव राणा स्पोक दीज वर्ड्स, दे वर स्पोकन टू आंचल राणा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है विच इंस्ट्रक्शंस Did he wait for? Which instructions did he wait for? Which precautions did the address have to take? Why? ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे. आंसर, he waited for Jadhav Rana's instructions to call them to his court. He waited for Jadhav Rana's instructions to call them to his court. He had to see that they were not carrying any weapons. He had to take these precautions so that the strangers would not attack or harm anyone in the court. Okay? ज्यादा किसके इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहे थे उन लोगों को लेकर आने के लिए दरबार में, और क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, वो क्यों प्रिकॉशन लिए, ये प्रिकॉशन लिए कि किसी के भी हाथ में वेपन नहीं होना चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए, और वो इसलिए कि कहीं कोई स्ट्रेंजर आकर के उनके कोर्ट में या कर्टियर को हार्मफुल ना हो जाए, कोई अटैक ना कर दे, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स थे और स्ट्रेंजर कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है ना, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन 3. सेकंड, वेलकम टू माय हाउस, इस लाइन को रिफर करते हुए क्वेश्चन नंबर 3, वेयर हैड द स्पीकर एंड हिज फॉलोमैन कम फ्रॉम, व्हाई, इसका आंसर लिखेंगे. दे हैड कम फ्रॉम लैंड ऑफ पर्सिया, ये कहाँ से आए थे, पर्सिया से. दे हैड कम फ्रॉम पर्सिया बिकॉज दे वर नो लॉन्गर सेफ देयर, क्योंकि वो वहाँ ज्यादा दिनों तक सेफ नहीं थे. द रूलर इन पर्सिया प्रैक्टिस्ड अनदर रिलीजन, क्योंकि वहाँ जो पर्सिया का रूलर था वो कोई और रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहा था, वहां पर उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा था. ओके, अब आती है क्वेश्चन नंबर 2 के बी नंबर पर. नॉट विजिबल टू द आईज बट प्रेजेंट टू स्विच इन द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस दैट यू हैव शोन अस, वी विल विद योर पीपल जस्ट लाइक वी विल. यहाँ पर कुछ लिखा है मुझे दिख नहीं रहा. चलो क्वेश्चन नंबर 1, अभी आपको ये पूरा अपनी बुक से नोट डाउन करना है अपनी नोटबुक में,
फिर क्वेश्चन नोट डाउन करना है. व्हाट हैड द स्पीकर ऑफ द एवलाइंस. वन मिनट, मैं इनको पूरी लाइन बोलती हूँ आपको. वेट. यस, व्हाट हैड द स्पीकर ऑफ द एवलाइंस जस्ट डन बिफोर स्पीकिंग दीज वर्ड्स. तो इसका आंसर आप लिखेंगे. द स्पीकर हैड मिक्सड सुगर इन द मिल्क. द स्पीकर हैड मिक्सड सुगर इन द मिल्क. ठीक है. अभी बी नंबर का सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई हैड द स्पीकर डन दिस. व्हाई हैड द स्पीकर डन दिस. इसका आंसर नंबर फोर, आंसर नंबर सेकेंड, बी नंबर का सेकेंड आंसर, द स्पीकर हैड डन दिस बिकॉज जादव राणा हैड आस्क्ड देम व्हाट दे वुड गिव इन रिटर्न. ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी का थर्ड क्वेश्चन, इन द अबव कॉन्टेक्स्ट व्हाट इज नॉट विजिबल टू द आईज व्हाट डज द स्पीकर गो ऑन से after this about mingling with the people. तो लिखेंगे, the sugar is not visible to the people. The speaker went on to say that his people would mingle with them like the sugar had mixed with the milk. It was invisible but he had sweetened the milk. Okay, ये इसका आंसर ये है कि जो शुगर उसने मिल्क में मिक्स की थी उसका क्या मतलब बनता है. तो वो इस तरीके की हम लोग मतलब ये जो पीपल है जो पर्सिया से आए वो इस तरीके से मिंगल हो जाएंगे, हम लोग में मिक्सड हो जाएंगे जिस तरीके से दूध में शुगर हो जाती है जो कि इनविजिबल होती, दिखती नहीं है, मगर उसकी जो स्वीटनेस है वो उस मिल्क में रह जाती है. तो इस तरीके से मिंगल हो जाएंगे. ठीक है. अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कि 30 to 40 words का है, इसको लिखेंगे. विच रिक्वेस्ट डिड द ओल्ड मैन हु रिप्रेजेंटेड द स्ट्रेंजर्स मेक टू जाधव राणा द चीफ्टेन ऑफ साजन. इसका आंसर लिखेंगे, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड फॉर द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ऑन रिलीजन. ही ऑल्सो आस्क्ड फॉर अ पीस ऑफ लैंड विच दे कुड फ्लक. This way, they could remain self-dependent. They would be able to earn their bread with their own efforts. So that he would not cause any difficulty to the people of the country. Okay. ओल्ड मैन ने जो रिक्वेस्ट की थी कि हमको यहाँ पर फ्रीडम मिलनी चाहिए अपने रिलीजन से रहने की, दूसरी बात ये भी बोला कि हमको ऐसा कोई जमीन का टुकड़ा दे दी जिसमें हम खुद खेती करें और उसके जिससे हम खुद सेल्फ डिपेंडेंट रहें और अपनी रोजी रोटी खुद करें, अपने एफोर्ट से करें, जिससे मेरे हम लोगों के यहाँ रहने से किसी और कंट्री के पीपल को कोई प्रॉब्लम भी ना हो. तो ये है क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर. यहाँ तक आपके क्वेश्चन आंसर्स थे जो हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिए हैं. ठीक है. तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर पूरा कम्प्लीट होता है. अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. गुड बाय. यू हैव टू राइट इट इन योर फेयर कॉपी एंड सेंड मी एज होम असाइनमेंट. आई एम वेटिंग.